फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल, माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं टोटल 11 शेयर के ऊपर जो कि बैंकिंग सेक्टर है। ये बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि CLSA ने, जो कि दिग्गज ब्रोकरेज हाउस CLSA ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को धज्जियाँ उड़ा दिया। इंडियन बैंकिंग बैंकों की टारगेट का धज्जियाँ उड़ा के रख दिया है। तो क्या है एक्चुअली रियलिटी क्या है, हम लोग जाके वो न्यूज देखेंगे। साथ साथ ये 11 बैंक्स कौन कौन है और उनका टारगेट वो क्या क्या दिए, वो लोग हम लोग ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में कोई न्यू व्यूअर्स है, कोई फर्स्ट टाइम मेरा चैनल रीड कर रहे हैं, वो लोग मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला घंटे आइकन को ऑन कीजिए, जैसे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक चीज़ फ्रेंड, अगर आप चाहते हो मेरे साथ में जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक अगर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करते हो तो मैं मेरा सपोर्ट टीम में आपको ज्वाइन करूँगा, जिधर कि आपको इंट्राडे बेसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल मिलेगा और आपका कोई भी शेयर को लेकर कोई भी क्यूरी रहेगा तो आप मेरे से डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग ये सोचते हैं साल CLSA कौन है ना। CLSA जो है कि एक ब्रोकरेज हाउस जो कि ये इसका हेडक्वार्टर है हांगकांग में। ये अभी जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ही वो टारगेट नेगेटिव कर दिए थे पहले, उसके बाद अभी टारगेट जो दे दिया है बहुत ही ख़राब टारगेट दिया है। क्यों दिया है वो बोल रहे थे, जो COVID-19 चलते ही पूरा इकोनॉमिक जो सबसे ठप्प पड़ गया है और उनका जो इनकम बैंक का इनकम ही नहीं है उसको नज़र रखते हुए और एनपीए को नज़र में रखते हुए ये अभी न्यू टारगेट दिए जो कि आपको देखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को। देखिए CLSA ने जो टारगेट प्राइस जो इधर कर दिया है 70% तक इस हिसाब से घटा दिया है। हम लोग इधर ही देखेंगे उनका एक एक शेयर का, ये देखकर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने इधर मार दिया जैसे कि आप लोगों को मैं इजीली बात कर सकूं। तो पहले चलते हैं उसके ऊपर। फर्स्ट दिया है CLSA ने जो बाइंग, कौन से शेयर को बाइंग करना है, कौन से शेयर को सेलिंग करना है वो बता दिए है। फर्स्ट है एक्सिस बैंक का। ये पहले टारगेट दिए थे 900 रुपीज़ का, अभी वो टारगेट को घटा के न्यू टारगेट दे दिए 595 रुपीज़ का। तो अभी रेटिंग दिए है बाइंग का, तो एक्सिस बैंक करेंट प्राइस में चल रहा है 406 के ऊपर, तो इनका जो टारगेट है 600 का आसपास। ओके, तो ये एक टारगेट है एक्सिस बैंक का ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा का बाइंग रेटिंग दे रहे बाइंग करने के लिए, और पहले जो टारगेट देते 125 रुपीज़ उसको घटा कर अभी 70 रुपीज़ कर दिए है। और बैंक ऑफ बड़ौदा अभी का डेट में चल रहा है 46.4 के ऊपर चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। उनके बाद थर्ड जो शेयर लेके आया है बैंक ऑफ इंडिया का। बाइंग का रेटिंग कुछ भी नहीं है उनका, ना बाइंग करो ना सेलिंग करो। पहले जो टारगेट दिए थे 60 रुपीज़ का, अभी वो टारगेट घटाकर 30 रुपया कर दिए हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि 33 रुपीज़ का ऊपर चल रहा है करेंट प्राइस। तो उसके बाद कनाडा बैंक को वो टारगेट रेटिंग दे रहे सेल करने के लिए। पहले दिए थे वो टारगेट दिए थे 190 का, अभी का टारगेट दे रहे 80 रुपीज़ का। और कनाडा बैंक चल रहा है 81.95 रुपीज़ का ऊपर। तो उसके बाद HDFC बैंक जो कि इंडिया का टॉप 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो दे रहे HDFC बैंक को सेल करने के लिए, ये बहुत ताजुब की बात रेटिंग का। और उनका जो फर्स्ट जो टारगेट दिए थे वो दिए थे 1380 रुपये का, अभी 1100 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और अभी करंट में HDFC बैंक चल रहा है 937 रुपीज़ का ऊपर। उसके बाद ICICI बैंक, ये ICICI बैंक का ऊपर रेटिंग दे रहे बाइंग का, और पहले दिए थे 580 का टारगेट, अभी उसको घटाकर 460 कर दिए हैं। और ICICI बैंक अभी चल रहा है 300
337 रुपीस का ऊपर चल रहा है ICICI बैंक। मतलब इधर से आपको 100 पॉइंट का जंप देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडोसिंड बैंक, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ उसके बाद इंडोसिंड बैंक, इंडोसिंड बैंक को दे रहे बाइंग का रेटिंग, और उनका जो पहला जो टारगेट दिए थे 1950 रुपये का, अभी जो टारगेट दे रहे 595, और अभी इंडोसिंड बैंक काम कर रहा है 387 रुपीज़ का ऊपर। तो अगर आप यही लेवल पे अगर बाइंग करोगे तो आपको अपमूव 200 पॉइंट के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि SCLSA ने बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को दे रहे रेटिंग दे रहे बाइंग का, और टारगेट पहले दिए थे 1960 रुपीस का, अभी 1425 रुपया का टारगेट कर दिए। कोटक महिंद्रा बैंक अभी चल रहा है 1242 का ऊपर चल रहा है, 1242 का ऊपर चल रहा है, अभी ऊपर से अभी 200 पॉइंट का जंप देखने को मिल सकता है, जो कि CLSA का कहना है। उसके बाद PNB पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक को सेलिंग का रेटिंग दे रहे, और पहले दिए थे 60 रुपीज़ का टारगेट, अभी 22 रुपीज़ का टारगेट कर दिए है, और पंजाब नेशनल बैंक जो भी अभी चल रहा है 30.75 रुपीज़ के ऊपर। उसके बाद जो कि अपना इंडिया का टॉप नंबर वन पब्लिक सेक्टर बैंक SBI को बाइंग का टारगेट दे रहे, और पहले दिए थे 390 का टारगेट, अभी वो घटा के 240 कर दिए है, और आज का डेट में SBI चल रहा है 180 रुपीज़ का ऊपर। उसके बाद यूनियन बैंक को बाइंग का रेटिंग दे रहे हैं, और जो कि पहले दे थे रेटिंग 80 रुपीज़ का, अभी जो रेटिंग दे रहे 40 रुपीज़ का, यूनियन बैंक अभी 27 रुपीज़ का ऊपर चल रहा है। तो आप इसमें भी आपको अपमूव कम से कम अच्छा है, अपमूव भी देते हैं। तो फ्रेंड्स ये है CLSA का टारगेट है, ये मेरा कोई टारगेट नहीं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, दिन था CLSA ने ये टारगेट दे रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक बोलो, इंडोसिंड बैंक बोलो, ये लोग को 2000 का टारगेट दे रहा है, आज ये दे रहा है वो टारगेट घटा के बहुत ही कम कर देता है। तो ये जो टारगेट देते हैं वो टारगेट मौजूदा मार्केट को देखकर देते हैं, ऐसा नहीं जे ये जो टारगेट दे दिए वही टारगेट होगा। बट अगर यही टारगेट अगर मैंने देता था, आप लोग मेरा पर कितना गाली देते थे। तो फ्रेंड्स ये बड़े बड़े रिसर्च फॉर्म है, ये सोचते समझते रिसर्च करते उसके बाद कोई भी डिसीजन देते हैं, ऐसा नहीं जे ये जो बोल दिए यही ही होगा। इसका पर आपको अगर इनमें से कोई भी शेयर आपका अकाउंट आपका पोर्टफोलियो में है तो आपको डीपली इसका पर एनालिसिस कीजिए, और सही टाइम में बाइंग कीजिए, सही टाइम में सेलिंग कीजिए। इसमें मेरा कोई भी नहीं जे मैं आपको बोलता हूँ बाइंग करके जाओ सेलिंग करके जाओ, इसमें मैं कुछ नहीं। जो कि जो न्यूज़ जो ब्रोकरेज हाउस CLSA ने जो बोला था उसको बेस कर ऊपर मैं आप लोग को बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।